रात के जो है तकरीबन 10 बजे जो 13 की कुरुक्षेत्र के अंदर मार्केट है वहाँ पर शराब है, वहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है भीड़ जुटी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं पूरा के अंदर भारत का चल रहा है चुनाव है, लोग यहाँ पर इतनी भारी संख्या में इसकी वजह यही है कि वो किशन बजाज जी को बहुत प्यार करते हैं, उनका विश्वास है, उनका विश्वास उनको यहाँ खींच कर लाया है, उनको ये ऐसे इंसान को फील करते हैं महसूस करते हैं तो उनकी तरह है तो उनके साथ रहेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर कदम पर आगे बढ़ेगा। एक ऐसा इंसान जो उनकी जरूरतों को समझेगा और आगे जाके उनका साथ देगा, तो हमें उन्हें जगाना है और आड़ू का बटन दबाकर उनको विजयी बनाना है। धन्यवाद। इस बार सरकार को बताना आम आदमी पर आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और ऐसी वजह क्या वजह नहीं होगी कि जो लोग भ्रष्टाचार लोगों का काम न होना सड़कों का नाश सब कुछ सबको यही है कि अंदर से सब चाहते हैं कि बदलाव चाहिए और बदलाव होगा क्योंकि सब इनके साथ हैं और सब चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और इतने टाइम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको समाप्त करें। आपको मालूम ही है कि जैसे कि भगवान कृष्ण ने क्या किया था, जब धरती पर बहुत ज्यादा अन्याय हो गया था तो उन्हें आना पड़ा था और अपना सुदर्शन चक्र चला के भ्रष्टाचार को मिटाना था, उसी तरह से ये भी आएंगे, इन्हें आना पड़ा क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब ये आए हैं और इस झाड़ू के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। थैंक्स। पर हमारा बलून नहीं बिकता है। ऐसी क्या वजह रही होगी? ईमानदार है सर हमारे बहुत 45 सालों से कर रहे हैं ये शहर का, वो बहुत काम किया है तो हमारे सारी जीते। नारी जो होती है वो लोग लोकतंत्र का 50% हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है क्षेत्र की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये उपदेश देना चाहेंगे कि अगर वो सेफ रहना चाहती है तो झाड़ू के उसके ऊपर वोट दें, क्योंकि हम अरोड़ा जी को भी देख रहे हैं, सुधा जी को भी देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कृष्ण बजाज जी हैं वो एक अच्छे विधायक एक अच्छे नेता के रूप में जनता के सामने आएंगे? जरूर आएंगे, उनके शक्ति बारिश भी है, आएंगे जरूर आएंगे क्योंकि इस बार हमने भी अपना मन बदल लिया कि हमें किसके साथ जाना है। यहाँ पर हमारे साथ और बाकी जो है महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो कि नारी सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है पेश कर रही है। इस चुनाव का मामला आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्र का चुनाव है वो किसके पक्ष में जाए? आप एक महिला होने के नाते एक युवा भी जो कि एक लोकतंत्र का एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है, एक बहुत ही अहम स्तंभ होता है, एक युवा होने के नाते आप अपनी भाई क्या कुछ आपको क्या लगता है कि कृष्ण बजाज जी बखूबी उस छवि को निभा पाएंगे? मैं बचपन से इनके स्कूल में पढ़ी हूँ, ये हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं, इनमें सारी क्वालिटी जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए। हम अगर इनके पास आधी रात को 2 बजे भी कॉल करते हैं ये हमेशा फोन उठाते हैं,
कोई भी विधायक अपना पर्सनल नंबर नहीं देता, इन्होंने हमेशा पर्सनल नंबर दिया, कोई पीए नहीं है इनका। रात को 2 बजे भी अगर हम इनका दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो ये आएंगे बोलेंगे हाँ जी बेटे, बिना बेटे की हमसे बात भी नहीं करते, कोई अपने घर में नहीं बुलाता है, हमें बुलाएंगे चाय पानी सब। तो ये हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, इनके पास एक्टिवा हो या कार हो, अगर ये नंगे पाँव भी हो ना तभी हमारे साथ आएंगे ये। थैंक यू। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान जी हैं एक अच्छे नेता थे। हाँ जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृष्णा क्षेत्र की जनता को, थाने क्षेत्र की जनता को रात बहुत हो चुकी है, आपसे मिलते हैं कल, और आप बताइएगा कमेंट करके अब की बात किसकी सरकार।